श्री गणेशाय नमः दोस्तों, मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ। आज है 12 तारीख और आपको बता दूं कि 15 तारीख से जिस दिन मीन संक्रांति यानी सूर्य देवता मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, और जब भी ऐसा होता है तो खरमास शुरू हो जाता है। और आपको बता दूं कि खरमास का महीना, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आपको आज वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि खरमास के बारे में कब से शुरू होगा, कब ये ठीक हो जाएगा, यानी कब से आप वापस से जो है चालू कर सकते हैं अपने मांगलिक कार्यों की शुरुआत, शुभ कार्यों की शुरुआत, क्यों हम इस टाइम पे नहीं करते हैं। बहुत सारी खास बातें हम वीडियो के एंड में खरमास के बारे में आज करने वाले हैं। आपको जानकारियां दूंगी थोड़े बहुत, ताकि आप भी अपडेटेड रहें, ताकि कोई भी काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो मुहूर्त अगर ढूंढने जाएं तो आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। ये सारी बातें तो हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज सबसे पहले पंचांग क्या है और सभी 12 राशि वालों का राशिफल। तो शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब बारी आपकी राशिफल की। शुरुआत करेंगे पहली राशि के साथ, मेष राशि। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहद खास है। अपने आप को टाइम देने वाले हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ काम और सेहत की चिंता भी आपको सताती रहेगी। करना क्या है, आज के दिन की शुरुआत ध्यान योग से करिए। और एक खास चीज, आज धार्मिक चीजों में भी आपका मन लगने वाला है, यानी किसी तरीके के धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप बिजी रहने वाले हैं। उपाय क्या करना है, आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं तो मेष राशि वाले आज कोशिश करें कि शिव जी की आराधना जरूर करें आप। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि। बिजनेस करने वालों के लिए दिन हेक्टिक है, यानी भाग दौड़ रहेगा। साथ ही साथ आज मैरिड लोगों की सेहत खराब हो सकती है, हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, कहीं फंसा हुआ था तो पैसा निकल जाए, यानी कोई उधारी चुका सकता है और जेब में पैसे आएंगे, माँ लक्ष्मी आएंगी। ओवरऑल दिन आपका ठीक ठाक है। महा उपाय क्या करना है, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि आप सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। लकी कलर आपके लिए आज है रेड, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मिथुन राशि। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, काम की चिंता सताते रहेगी, साथ ही साथ कोई डर आपको बेचैन करेगा। सिंगल लोग आज के दिन किसी के लिए मन ही मन ख्यालों में खोए रहेंगे, यानी एक अच्छी अनुभूति होने वाली है। फीलिंग्स किसी के लिए आप एकदम चरम पे रहेगी आपकी। साथ ही साथ मैरिड लोगों की बात की जाए, पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं आप। घर परिवार में किसी एक छोटी सी बात को लेकर क्लेश हो सकता है, कोशिश करें समझदारी से चलने की। और सेहत की बात कर ली जाए तो आज के दिन कहीं भी ऐसी जगह जहां पे आप जो है चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, एडवेंचरस चीजों में आज ना घुसे, सादा जीवन ही जिए। आज के दिन थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट लेवल को कम रखें, क्योंकि चोट लग सकती है आपको, दुर्घटना हो सकती है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज के दिन श्री विष्णु की पूजा जरूर करें। लकी कलर येलो है, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि। आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए मिक्स है, यानी कि आज मिला जुला दिन है। कहीं पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं तो कहीं कहीं पे आपको टेंशन। अब कौन कौन सी चीजें टेंशन वाली हैं वो जानिए। सबसे पहली बात, आज किसी से सीक्रेट शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आनी है, चाहे परिवार हो, चाहे प्रेम हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, दिक्कतें आ सकती हैं, समझदारी से चलना होगा। अच्छा कहाँ होगा, आज के दिन जॉब ऑप्शंस मिल सकते हैं। घर पे भी बैठे हैं तो कोई फोन करके नौकरी के ऑप्शंस, फ्रीलांस के ऑप्शंस आपको देगा, यानी पैसा बढ़ने वाला है, धन आगमन की संभावना ज्यादा दिख रही है। भाग्य भी आज साथ देगा, शाम के समय दोस्तों के साथ, मन पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताने वाले हैं। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं आज कोशिश करें कि किसी महिला के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं तो है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर आज कर्क राशि वालों को मिलता है 5 में से 4 स्टार। सिंह राशि। आज के दिन सिंह राशि वालों को सबसे जरूरी सलाह, काम के मामले में ज्यादा जो है उत्साहित तो होकर अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरी चीज, पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखना है, मतलब आपकी लव लाइफ की बात कर ली या फिर मैरिड लाइफ की, तो प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों जगह अपनी पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें, नहीं तो दिन का उतार आपके लिए कष्टदायक हो जाएगा। सेहत की बात कर लेते हैं। आज के दिन घर में किसी की पहले से सर्जरी हो रखी है, या फिर जो है जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आफ्टर 50s वाले जितने हैं,
अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि आज नॉर्मल चीजें नहीं, आपके साथ थोड़ी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसीलिए कोशिश करनी है ध्यान से रहने की। पैसों की बात करें तो आज के दिन पैसों के मामले में दिन आपका स्मूथ जाने वाला है। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करें कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण यथासंभव करें। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का दिन आज अच्छा है, दिक्कतें नहीं है, लेकिन आज भ्रमित रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, किसी भी चीज में चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो डिसीजन लेने में दिक्कतें आने वाली हैं। आज आप बहुत ही उलझे रहने वाले हैं, साथ ही साथ किसी से दिन के उत्तरार्ध में आप बहस कर सकते हैं और आप इमोशनल भी आज बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो स्टूडेंट्स हैं आज के दिन गलती करने से बचना है, क्योंकि आज के दिन जो गलती करेंगे आपको उसका हर्जाना डबल ट्रिपल भुगतना पड़ सकता है, तो गलतियां ना करें आज के दिन। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं आज कोशिश करें गायत्री मंत्र का उच्चारण करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि आज के दिन सोची गई हर एक चीज आप करने वाले हैं, प्लान चीजें होंगी, दिन बहुत अरेंज्ड रहेगा, अच्छा रहेगा, आज खुश रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, साथ ही साथ सेहत भी साथ देने वाली है। बस पैसों का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि जेब आप बहुत ज्यादा आपकी ढीली पड़ने वाली है, खर्चा ज्यादा होने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं ओम नमः शिवाय 3 आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण यथासंभव करें, दिन अच्छा बीतेगा आपके लिए। लकी कलर आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं है 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि, आज कोई बेवकूफ बनाकर आपसे अपना काम निकलवा सकता है, तो स्मार्ट रहना है, आज के दिन किसी की बातों में नहीं आना है आपको। साथ ही साथ आज के दिन गोल गोल बातें करके परिवार वाले या फिर प्रेमी या फिर आपके मैरिड जो है, तो अगर पति पत्नी आज आपसे अपना जो है उल्लू सीधा करेंगे, काम निकलवाने वाले हैं, तो ठीक है, परिवार हो, प्रेम हो, रिश्ते हैं, उनके लिए तो बेवकूफ बन जाना भी अच्छा है, लेकिन आज ये चीजें होंगी कि कोई घर का इंसान जो है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, आपको मीठी मीठी बातों में फंसा के बेहद खर्चा करवाने वाला है, तो खर्चा तो आज है आपके योग में। साथ ही साथ सेहत की बात कर जाए, मौसमी मार पड़ सकती है और दिन का उतरार थोड़ा कष्टदायक होगा, तो ध्यान दीजिएगा सेहत का। आपके लिए महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज देवी दुर्गा की पूजा करें। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर की बात करूं तो है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए दिन का जो फर्स्ट हाफ है, जो जॉब या बिजनेस करते हैं उनके लिए वो भाग बहुत अच्छा है। आज जॉब करने वाले लोग अपने स्किल्स को अपडेट करने के लिए कोई नए कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में विचार करेंगे। किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन आज आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला है। आज आप लोगों से राय मशवरा करके ही काम करने वाले हैं, तो ध्यान क्या रखना है, उन लोगों से राय मशवरा करें जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन पर आपको लगता है कि जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई जिनको खुद ही नॉलेज नहीं है उनके पास जाने से बचिएगा, नहीं तो गलत राह पर चल सकते हैं आप। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो फैमिली में आज के दिन थोड़ा उथल पुथल दिख रहा है, कुछ लोगों की आपस में अनबन होगी जिसकी वजह से आपको भी मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से आज के दिन सिर दर्द या फिर आपको कमर से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और पैसों की बात कर ली जाए तो आज इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसा बढ़ाने के बारे में आप विचार करें। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं आज कोशिश करें कि आप जो है पक्षियों को दाना डालें। लकी कलर आपके लिए आज है ब्राउन। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मकर राशि, गोल गोल बातें करें आज। जी हाँ, आज आपको गोल गोल ही बातें करनी है। क्यों? क्योंकि आज के दिन आपकी जुबान से कड़वी बातें निकल सकती हैं जो कि किसी आपके साथ काम करने वालों को या आपके परिवार को आहत कर सकती है। तो आज के दिन घुमा फिरा के बोलने में ही आपकी भलाई है, तो बातों को मोल्ड करें आज। बाकी आगे आपकी सेहत की बात की जाए तो आज के दिन स्किन रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ लोगों को बाल से जुड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पैसों की बात की जाए तो आज के दिन कोई पैसा आपका रिश्तेदार या करीबी दोस्त आपसे पैसे मांग सकता है, देना ना देना या आपकी सोच पर निर्भर करता है। महा उपाय, आज दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दिन की शुरुआत जब होती है तो आप अपनी हथेलियों को देखें और साथ ही साथ भूमि को प्रणाम करें, ये जरूर कीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं तो है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि, गुस्सा तेज रहने वाला है कुंभ राशि वालों का आज, तो आज के दिन गुस्से पर कंट्रोल करना है, साथ ही साथ आज बातों ही बातों में किसी को हर्ट कर सकते हैं,
तो बातों पर भी कंट्रोल कीजिए, यानी गुस्सा और बात, ये दोनों चीजें आपको आज कंट्रोल करनी है। बाकी एक और चीज कंट्रोल करनी है, वो है बाहर का खाना पीना, क्योंकि पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो निकल जाएगा। कुछ लोगों को आज के दिन उपहार भी मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकते हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज घर में जो भी बड़ा है उसका आशीर्वाद लीजिए, उनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत कीजिए, मंगल ही मंगल होगा। लकी कलर आपके लिए क्या है वो है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज उथल पुथल भरा दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम, बहुत सारी सिचुएशंस में आप ऐसे फंस जाएंगे जब लगेगा एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं, चीजें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आज उथल पुथल में ही दिन बीतने वाला है। बाकी कुछ लोगों को आज के दिन सेहत से जुड़ी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, और साथ ही साथ आने वाला समय भी आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानसिक परेशानियों से भी आज कुछ लोगों को जूझना पड़ेगा। पैसा आज के दिन आएगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। आपके लिए महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज के दिन शिव जी की पूजा करें, मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है, लकी नंबर की बात करूं तो है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जाते जाते खरमास के बारे में, कि जैसा मैंने आपको कहा था खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपको बता दूं कि खरमास एक ऐसा समय होता है जिस समय में हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की, नए कार्यों की, मांगलिक कार्यों की मनाही हो जाती है, रोक लग जाती है। तो ये दिन जो है शुरू होता है तब जब सूर्य देवता चले जाते हैं मीन राशि में। तो ये डेट है 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च से। इसके अलावा 30 मार्च को गुरु भी अस्त होने वाले हैं, और फिर ये उदय होंगे कब, 29 अप्रैल को। तो अगर हम ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दूं तो 3 मई से, मई की शुरुआत से ही आपके शुभ कार्य शुरू हो पाएंगे, यानी ये पूरा महीना आपका काम जो है वो बंद रहेगा। 45 डेज ऑलमोस्ट आपके 45 to 50 डेज आपको काम शुभ कार्यों पर मनाही रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो तो किसी अनुभवी पंडित को, ज्योतिष को अपना चार्ट दिखाने के बाद ही काम कीजिएगा, उनसे राय लेने के बाद ही काम कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज में मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, शुभ समय की जरूरत पड़ती है, तभी हमारे काम बनते चले जाते हैं। और अब एक खास और चीज मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग ये कॉमेंट करके लिखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे वो बिलीव नहीं करते, जैसे ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता आपको विश्वास करने के लिए। भगवान में भी बहुत लोगों की आस्था होती है, बहुत लोगों की नहीं होती है, डिपेंड करता है। आप अगर उसे मानना चाहते हैं तो ज्योतिष को आप मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। ये वीडियोस मैं उन सभी दर्शकों के लिए बनाती हूँ या लेकर आती हूँ राशिफल, जिन्हें ये राशिफल बेहद पसंद है और जिनके कमेंट्स आते हैं, जो इतना सारा प्यार देते हैं, पहले तो उनको थैंक यू। और जिनको भी कुछ शिकायत होती है आप अपनी शिकायत जरूर लिखें, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप जीवन में परेशान हैं, तो वो भी लिखिए, मैं आपकी परेशानी का समाधान भी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही दूंगी। तो अपने सवाल भी लिखिए, कुछ भी परेशानी अपनी डिटेल्स के साथ अपने सवाल लिख दीजिए। फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि फुल नेम आपका होना चाहिए, कहाँ पैदा हुए हैं, समय क्या था, आपकी तिथि क्या थी, पैदा होने की तिथि क्या है, ये सारी जानकारियां लिखे, अपना सवाल लिखे और भेज दीजिए। हर दिन एक लकी व्यूअर का नाम लेकर उनके सवाल का जवाब देने वाली। तो जिन भी लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं, जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं, आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही आप प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, और मैं भी हमेशा की तरह, हर बार की तरह ऐसे ही आपके लिए राशिफल लेकर आऊंगी। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। कल शाम 5 बजे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।